नमस्कार हेलो एवरीवन स्वागत है आप सबका महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं चांदी महेंद्राज दिल से आप सबका स्वागत करती हूं तो बच चुके हैं रात के 12 और हम अपने 10 ब्रेकिंग एमसीक्यू के साथ पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं तो जितने भी कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड है कहाँ ना कमेंट बॉक्स में आंसर करना स्टार्ट कर देना है और पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर वो ये है विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च हंड्रेड डे कैंपेन कैच टी रेन किस केंद्रीय मंत्रालय ने सौ दिन का एक कैंपेन शुरुआत किया है जिसे नाम दिया गया है क्या कैच द रेन कैंपेन कैच द रेन कैंपेन की बात करें तो ये हंड्रेड डेज का एक कैंपेन जो है जिसमें ये कहा गया है कि वाटर बॉडीज को क्लीन कर लिया जाए और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए उसे क्या किया किया जाए जाए इस्तेमाल तो कैच द रेन कैंपेन जो है वो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया होगा तो बिल्कुल वो कौन सी मिनिस्ट्री है जल शक्ति मंत्रालय ने लॉन्च किया है किसने लॉन्च किया जल शक्ति मंत्रालय ने लॉन्च किया है और जल शक्ति मिनिस्टर कौन है गजेंद्र सिंह शेखावत जी है नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ विस स्टेट है लॉ टू गिव लाइफ इन प्रेसमेंट टू फूड अडल्ट्री किस राज्य सरकार ने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास देने का कानून मंजूर किया है तो बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम देखते हैं कि हर एक फूड में होता है मिलावट होती है स्पेशली हनी वगैरह में अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा शुगर सिरप जो है वो पाया जाता है जनरली अब जो है हर एक ही फूड आइटम में अडल्ट्रेशन देखने को मिलता है तो किस राज्य सरकार ने यह कहा है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले को आजीवन कारावास देने का कानून मंजूर किया है तो वो बिल्कुल कौन सा है हिंदुस्तान का दिल देख को भाई मध्य प्रदेश की बात करें तो किसने जो है इसे लाइफ टाइम इन प्रेजेंटमेंट घोषित कर दिया है लॉ अप्रूव किया है तो वो बिल्कुल कौन सा है मध्य प्रदेश है नेक्स्ट पढ़ रहे अगले क्वेश्चन की तरफ विच फिल्म बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा अवार्ड एट द गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है तो अगर हम बात करें तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड टू में बेस्ट मोशन पिक्चर का ड्रामा अवार्ड जीता है कौन सी मूवी ने वो है नोमैड लैंड किसने जीता है नोमैड लैंड ने जीता है नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ रिसेंटली शैडो पैड इज इन न्यूज़ इट इज अ हाल ही में जो है शैडो पैड एक जो है टर्म uh, न्यूज़ में बहुत बना रहा है आपको बताना है ये टर्म किससे संबंधित है तो आपको बताना है कि शैडो पैड है क्या क्या ये एक टेक्नोलॉजी है ये एक बैक्टीरिया है ये एक एनिमल है क्या फिर ये मालवेयर है तो अगर हम बात करें शेडो पैड की तो बिल्कुल शेडो पैड क्या है मालवेयर है ठीक है ये जो है वायरस और बहुत जो है घातक वायरस और मालवेयर कहा गया है जो अगर मैं बात करूं तो पावर मिनिस्ट्री ने ये कहा है इसने सर्ट को ईमेल लिखा था अगर हम बात करें 19 नवंबर की लास्ट ईयर की तो आ, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को ये लेटर में कहा गया था कि एक जो है मालवेयर एक थ्रेट है एक वायरस है शैडो पैड नाम का जो देखने को मिल रहा है तो प्रोटेक्शन की बात की थी पावर मिनिस्ट्री ने जो है ईमेल में बात की थी इसके बारे में तो अगर हम बात करें तो बिल्कुल जो है ये डेटा लॉस और डेटा ब्रीच कर रहा है ये एक तरीके का क्या है ये मालवेयर है जिसे नाम क्या दिया गया है शैडो पैड नाम दिया गया है नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी वर्चुअली प्रिसाइडेड द थर्ड के जी ने मानक के तीसरी गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंड ऑफ बिस्ट मतलब कहा स्टैंडर्ड और अगर हम देखें तो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है बिस्का हेडक्वार्टर कहां पर लोकेटेड है न्यू डेली में नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है जो कंज्यूमर अफेयर्स फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है <coughs> 1986 में इसे बनाया गया था हेडक्वार्टर इसका जो है दिल्ली में लोकेटेड है इसके डायरेक्टर जनरल का नाम है प्रमोद कुमार तिवारी जी डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है प्रमोद कुमार तिवारी जी हैं तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो पीयूष गोयल जी ने थर्ड जो जीसीएम की मीटिंग हुई है मतलब गवर्निंग काउंसिल की जो मीटिंग हुई है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की उसे क्या किया है प्रिसाइड किया है नेक्स्ट बढ़ रहे अगले क्वेश्चन की तरफ इन पार्टनरशिप विद होम फिकी ऑर्गेनाइज दी सिक्सटीन एडिशन ऑफ फिकी हायर एजुकेशन समिट किसके साथ साझेदारी में फिकी फिक्की ने फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन का सोलवा संस्करण का आयोजन किया है तो फिक्की क्या है फेडरेशन ऑफ ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एडिशन फिक्की हायर एजुकेशन समिट का किसकी पार्टनरशिप के साथ किया है तो हायर एजुकेशन की बात हुई है, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री तो होगी होगी तो मतलब कौन सा सही हो जाएगा ए और बी वाला सही हो जाएगा फिक्की ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ मिलकर हायर एजुकेशन पर एक क्या किया है सम्मेलन किया है अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे फिक्की के अध्यक्ष

प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का ये प्रसार भारती में भी रह चुके हैं इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये सक्सीड किसको कर रहे हैं तो बिल्कुल ये कुलदीप सिंह धनता धनवालिया धन्त जी को क्या कर रहे हैं सक्सीड कर रहे हैं जिनकी सेवा नियुक्ति होनी है तो जगदीप भंडर जी को प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है किसका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का नेक्स्ट पढ़ रहे अगले क्वेश्चन की तरफ द आई एफ टीम इंडियन एयरफोर्स टीम विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ विच नेशन एयरफोर्स आई ए एफ टीम किस राष्ट्र की वायुसेना की सत्तरवीं वर्षगांठ समारोह में भाग लेगी तो इंडियन एयरफोर्स जो है सेवेंटी एथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए पहुंचेगी किस कंट्री के एयरफोर्स का तो बिल्कुल वो कौन सी कंट्री है श्रीलंका के जो है सेवेंटीएथ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन

क्वेश्चन था वो ये था कि भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महा करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है तो बिल्कुल सबने सही आंसर दिया था कमेंट बॉक्स में दोनों मिहिर भोज वॉज द रूरल ऑफ मिहिर बोध जो है वो किसके शासक थे आपको बताना है कि मिहिर बोध जो है वो किसके शासक थे आपके पास ऑप्शन है राष्ट्रपुता चोला प्रतिहारा या फिर चालुक्य तो मिहिर बोध जो है वो किसके रूरल थे किसके शासक आंसर लिखकर बताओगे कहां पर कमेंट बॉक्स में तो वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स एक्टिव हो जाएगा जितने भी प्यारे साथी हमारे साथ कनेक्टेड थे अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूले जाते जाते लाइक बटन दबाते जाइएगा मिलेंगे सुबह साढ़े छह बजे थैंक यू वेरी मच टू एवरी अपने परिवार का खूब ध्यान रखिएगा सबको जो है शुभ रात्रि गुड नाइट बाय गाइस जय हिंद